हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जल्दी से एग्ज़ाम कंप्लीट कर लें, आप लोग जो आपके सेमेस्टर हैं वो कम्प्लीट कर लें और आप लोग जल्दी से टीचर बन जाएँ। आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है और आज कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो इसमें टीचिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट किए। और देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसको कंप्लीट किया। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नायरा स्टडी हब, तो वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। और प्ले लिस्ट भी बन चुकी है, आपको प्ले लिस्ट से भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और देखिए, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप लोगों की अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो बात हो गई कि हम लोगों ने क्या पढ़ा और आप लोगों को वो क्लासेस कैसे मिलेंगे और आप किस तरीके से उनको पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि हम लोग अब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा जो यानी लेसन टू हो जाता है, यानी कि ग्रामर। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था वो हमने कौन सा टेंस, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कंप्लीट किया, यानी इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस पूछा जाए तो ये एक ही होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एक ही होते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है, देखिए इनकी पहचान भी देख लेते हैं कि जैसे आपका क्या हो जाता है, इसमें ता है। देखिए ये आप सोचेंगे कि पिछली वीडियो का मैम बताने, लेकिन चीज़ों को रिपीट करते चलेंगे, क्योंकि जब हम चीज़ें रिपीट करेंगे तो आप लोगों के माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी। और बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो चीज़ें तो अपने आप ही से याद हो जाती हैं ना। तो इसमें देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की क्या पहचान है, तो इसमें ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। तो ये आपके कौन से, आपका कौन सा टेंस हो जाता है, तो ये प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, या आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई काम बार बार किया जाए यानी दोहराया जाए। जब कोई कार्य बार बार किया जाए या दोहराया जाए, या आप यूँ कह लें कि रिपीट किया जाए, ठीक है ना, रिपीट किया जाए तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है आपका। तो ये तो हो गई आपकी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, उसकी पहचान हो जाती है। अब देखिए ये समझ लेते हैं कि टेंस कहते किसको हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसका भी रिविज़न कर लेते हैं। तो टेंस की अगर बात की जाए तो देखिए टेंस वर्ब की फॉर्म में चेंजेस को टेंस कहते हैं। किसको कहते हैं, तो वर्ब की फॉर्म में चेंजेस को, ठीक है ना, चेंजेस को टेंस कहते हैं। अब देखते हैं, देखिए आपका जो यहाँ पे है, टेंस शोज द टाइम ऑफ द एक्टिविटी टॉकिंग प्लेस, यानी देखिए क्या बता रहे हैं कि काम आप कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, यानी कोई काम पास्ट में हो चुका है या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा, तो ये क्या है, तो ये आपके टेंस हो जाते हैं। जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं, जैसे आपका प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं ना, ये आपका प्रेजेंट हो गया।
हम आपको पढ़ा चुके हैं पास्ट में, यानी वो काम हम कर चुके हैं तो ये आपका पास्ट हो गया, और हम पढ़ाएंगे तो ये आपका क्या हो गया कि मतलब फ्यूचर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसमें गा गी गे आ गया तो ये आपका फ्यूचर हो गया। तो यानी कि ये सब चीज़ें आपको आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ तभी, लेकिन आपको क्या स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आप लोगों को ये सब आती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और ये भी आप जानें कि हमारे ये फोर्थ सेमेस्टर में है और इसमें बारीकियाँ पूछी जाती हैं, ये नहीं कि आपको एक हिंदी में लिख दी स्टोरी यानी कहानी लिख दी कि इसका जो है आप लोग इंग्लिश में लिखो, ऐसा करके नहीं, या आपको टेंस बनाने को दे दिया, तो इस तरीके से नहीं आते हैं। आप लोग सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उसमें क्या है, उसमें बारीकियां पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो जब बारीकियां पूछी जाती हैं तो आप लोगों को बहुत ही डीपली चीज़ों को देखना रहेगा और समझना रहेगा, और रटने पे फोकस मत कीजिएगा, आप लोग समझने पे फोकस कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग, चलिए बातें बहुत हो गई, हालांकि आप आपके जो कहते नहीं कि आपके सब्जेक्ट और आप ही से रिलेटेड बातें हो रही थी, ऐसा नहीं कि बातें ऐसी हो रही थी कि जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज कौन सा हम लोगों को टेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो टेंस पढ़ा था वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा था, और आपका आज जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाता है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान देख लेते हैं, तो इसमें आप लोग समझिए, देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो इस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है, उसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि पाया जाता है, तथा क्या होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, और इसमें क्या क्या होता है, देखिए आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही शी इट के साथ इसका प्रयोग होता है, यू वी दे और के साथ आर का प्रयोग होता है। अब इनको हम लोग क्या करते हैं डिटेल में समझ लेते हैं, यानी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब के साथ इसमें जो पहचान है वो क्या है, तो इसमें जो पहचान है मुख्य क्रिया के साथ क्या रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह के वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाता है। एग्जाम्पल आप ले लें तो जैसे आपका हो जाता है, जैसे राम घूम रहा है, तो राम घूम रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, तो राम घूम रहा है। अब आप ये देखेंगे तो ये आपका कौन सा टेंस हो जाता है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ये आपका हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं सीता नाच रही है, नाच रही है, तो यहाँ पे भी देखिए रही है, तो आपका क्या हो जाता है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। अब लोग घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ, वो हंस रहा है, ये खेल रहा है, अब जहाँ पे रहा है का यूज़ होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये यूज़ होते हैं तो आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे वो हंस रहा है, वो खेल रहा है, हम गा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं जहाँ पे होगा वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखिए हम अगर बात कर लेते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये किस तरीके से होते हैं, देखिए सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्यों को देख लेते हैं, यानी कि आपका हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें ये होता है कि इज एम आर का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद अब ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसमें समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पे भी हम बताते चलते हैं आपको कि सबसे पहले क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म,
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होता है किसके, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होता है। और फर्स्ट, देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई, यानी आई के साथ क्या होता है, यानी देखिए आई के साथ एम का प्रयोग होता है और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके साथ आर का प्रयोग होता है। यानी क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ किन का प्रयोग करते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। और इसमें एक चीज़ पहले, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट तो सभी चीज़ें हैं लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि इसमें देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपका इज या एम या आर। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो आप देखिए अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसका आप प्रयोग कर दें, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आप किसका प्रयोग कर दें, एम का प्रयोग कर दें, और जो अगर बाकी सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ आप आर का प्रयोग कर दें, तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, देखिए राम घर जा रहा है तो राम यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे देखिए राम घर जा रहा है तो जो राम है वो आपका हो जाता है देखिए सब्जेक्ट, राम क्या हो जाता है तो सब्जेक्ट हो जाता है। और उसके बाद देखिए राम कैसा सब्जेक्ट है इसको भी समझ लेते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है तो थर्ड पर्सन, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो इज का प्रयोग होगा, तो राम इज। और फिर क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और देखिए राम इज गोइंग होम तो राम घर जा रहा है, फिर से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए इरेज हो गया, राम घर जा रहा है तो राम इज गोइंग होम, ये आपका हो जाता है। उसके बाद देखते हैं एक और देख लेते हैं इसमें, अभी और आपके नोट्स में भी है काफ़ी आपके एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल जितने आप करेंगे उतना ही अच्छा है। तो मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं के लिए आई का यूज करते हैं, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ये हो जाता है ना, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले हो जाता है और प्ले के बाद वाई आई एन जी प्लेइंग, यानी कि आपका फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी फॉर्म लग जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा मैं खेल रहा हूँ यानी आई एम प्लेइंग। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में मैं को कहते हैं, यानी जो आपका मैं है वो आपका क्या है, तो मैं सब्जेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है तो मैं आपका सब्जेक्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद ये क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है मैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके साथ
एम का प्रयोग होता है तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, तो एम का प्रयोग होता है, यानी आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये चीज आप लोग समझ लें, वो तो आप लोगों को पता होगा, खैर ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए समझ लेते हैं खेल। देखिए मैं खेल रहा हूँ, तो मैं, तो आई एम और प्लेइंग, ये तो आपका हो गया। तो मैं फिर से एक बार रिपीट मैंने कर दिया, तो चलिए इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें बस समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद देख लेते हैं खेलने को। देखिए प्ले कहते हैं, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि खेलने को क्या कहते हैं, तो खेलने को प्ले कहते हैं, पी एल ए वाई, प्ले हो गया ना, प्ले कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग करते हैं। अब क्या करेंगे, प्लस आई एन जी फॉर्म लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाता है। हम हंस रहे हैं, अब यहाँ पे समझिएगा, हम हंस रहे हैं, तो हम हंस रहे हैं, तो हम की जो इंग्लिश है वो क्या है, तो वी, हम मतलब वी। अब हंस रहे हैं तो यहाँ पर वी के लिए क्या यूज़ होगा, तो वी आर। और लाफिंग, यानी लाफ मतलब हंसना, आई एन जी फॉर्म, तो लाफिंग हो गया, एल ए यू जी एच आई एन जी, लाफिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर का यूज़ क्यों किया गया है, यहाँ पर देखिए वी, और वी के साथ वी, यानी देखिए वी, तो वी के साथ आर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, यानी देखिए अभी बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और बाकी जो बच्चे उनके साथ तो आर का प्रयोग। तो यहाँ पे आपका देखिए ही शी इट तो है नहीं, और आई तो है नहीं, और वी है, तो वी के साथ आपका आर प्रयोग हो जाएगा, यानी आर का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो वी है, ठीक है ना, तो समझ लेते हैं, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। अब देखिए ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। अब देखिए जो आपके नोट्स में भी कुछ एग्जाम्पल है, इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, सीता गाना गा रही है, देखिए सीता गाना गा रही है, तो सीता आपका सब्जेक्ट हो जाता है, तो सीता, उसके सीता के साथ देखिए एक लड़की है, तो सीता इज, और सिंग और आई एन जी फॉर्म, तो सिंगिंग, और सॉन्ग मतलब गाना, और गा रही है तो सिंगिंग, और गाने को क्या कहते हैं, सॉन्ग, तो सिंगिंग सॉन्ग, ये आपका हो जाता है। उसके बाद मैं मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू गोरखपुर, देखिए आई के साथ एम का यूज हो गया, गो और इसके साथ आई एन जी फॉर्म, उसके बाद आपका टू हो जाता है प्लस आपका गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर यहाँ पे है तो गोरखपुर, तो इस तरह से आपका हो जाता है। और देखिए यहाँ पे आप देख ले रूल में कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका आई हो जाता है, फिर इज एम आर, तो यहाँ पे देखिए एम हो जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज करते हैं तो आपका हो जाता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, आपका ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, कार बहुत स्पीड में चल रही है, यानी कार इज रनिंग एट फुल स्पीड, अब बहुत तेज चल रही है, बहुत स्पीड में चल रही है, तो कार आपका क्या हो गया, देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ पे इज का यूज होगा, यहाँ पे आई तो है नहीं, या यू वी दे तो है नहीं, तो यहाँ पे कार, कार एक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कार इज रन, देखिए रन के साथ आई एन जी फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी फॉर्म लगती है ना, तो आपका रनिंग हो गया, उसके बाद एट फुल स्पीड, स्पीड में चल रही है तो फुल स्पीड हो जाता है। तो इस तरह से देखिए आपका ये कंप्लीट हो जाता है। और भी आपके लिए देखिए थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं, उनको भी समझ लें, क्योंकि अगर आप
जो हमने अभी आप लोगों को बताया कि ये टेंस अगर आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं अच्छे से, तो जो अभी आगे आप देखिए सकारात्मक वाक्य अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, तो फिर आप लोगों को जो आपके नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, इनको समझने में टाइम नहीं लगता है और अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक एक वर्ड का सिर्फ फर्क होता है, बाकी चीज़ें समझने की होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले नेगेटिव वाले जो वर्ड है उनको समझ लेते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आपका ये चीज़ समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका इज, एम, आर, जैसा भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग अगर आई है तो एम का यूज करेंगे, ही शी इट है अगर ऐसा है तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर यू वी दे है इस तरह के हैं तो आप आर यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद आप नॉट का यूज करेंगे। इसको आप देखिए समझिएगा, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं लोग कि यहाँ पे ना करके आई एन जी फॉर्म लगा के तब, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ अगर आप ये सीरीज समझ लेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे और वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद देखिए इज एम आर हो जाता है, उसके बाद नॉट हो जाता है, फिर वर्ब की आई एन जी फॉर्म हो जाती है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मीना और रीना गीत नहीं गा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए नहीं गा रही यानी नेगेटिव, तो मीना देखिए नेम हो गया, एंड रीना मतलब और रीना, अब गीत नहीं गा रही हैं तो अब आपका देखिए आर हो गया, क्योंकि रीना और मीना क्या हैं, दो हैं, दो लड़कियां हैं ना, तो यहाँ पे आपका आर हो जाता है। उसके बाद आपका नॉट अगर है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव में तो नॉट ही होगा, अगर आपका कौन सा हो जाता है, अगर आपका नेगेटिव वाला नहीं है तो उसमें नॉट का यूज़ तो नहीं करते हैं, तो ये आप तो समझ जाएंगे यहाँ पे नॉट है, नहीं है, नहीं है तो यानी नॉट, तो आपका क्या हो जाता है नॉट, फिर सिंग और आई एन जी फॉर्म, तो सिंगिंग और ए सॉन्ग यानी गाना नहीं गा रही है। उसके बाद सीता स्कूल नहीं जा रही है, तो सीता नॉट, देखिए सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी सीता स्कूल नहीं जा रही है, तो यहाँ पे इज आएगा। उसके बाद देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसको समझ लेते हैं। इसमें आपका क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखिए डब्ल्यू एच, यहाँ पे ये वाई, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस, देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इसको देखिए डब्ल्यू एच फैमिली, फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा भी टेंस हो उस तरीके, यानी जैसा भी सेंटेंस हो उस तरीके से आप लोगों को यूज़ करना है, यानी उसको बनाना है। तो हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में जान लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली तो जैसे वैन हो गया, वॉट हो गया, इस तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, वाई, वेयर, कहाँ के लिए, वेयर, कहाँ के लिए मतलब देखिए कहाँ के लिए क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है वेयर, डब्ल्यू एच ई आर वेयर हो जाता है। कब के लिए क्या हो जाता है, तो कब के लिए आपका वेन हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कैसे के लिए, तो आपका क्या हो जाता है, तो हाउ हो जाता है। इसको समझते हैं, देखिए साथ ही साथ हम लोग ये जानते चलेंगे कि क्या का प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे का क्या का प्रयोग हम लोग समझेंगे, यानी व्हाट का प्रयोग कब कैसे करना है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, तो व्हाट, देखिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश व्हाट हो जाती है। तो कैसे प्रयोग करते हैं और कब नहीं किया जाता है इसका प्रयोग, ये भी जानेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में अगर क्या है तो आपको ये समझना पड़ेगा
कि इसको यहाँ पे वॉट यूज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये चीज आप लोगों को समझनी है कि यूज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो क्या है, इन सब चीजों को समझना रहेगा आपको। तो समझ लेते हैं, क्या आप खेल रहे हो, क्या है देखिए, क्या आप खेल रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क। देखिए जब क्वेश्चन मार्क का हो आप, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है ना। तो क्या आप खेल रहे हो, अब देखिए अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। उसके बाद देखिए दूसरा, पहला ये हो गया, अब दूसरा है, अब ये भी समझ लेते हैं कि दोनों को देखिए समझते चलेंगे। आप क्या खेल रहे हो, तो आप क्या खेल रहे हो, आप क्या खेल रहे हो। अब देखिए, अब ये जो दोनों सेंटेंस है दोनों में फर्क है। यहाँ पे क्या कहा गया, क्या आप खेल रहे हो, मगर जैसे कि किसी से पूछा गया कि क्या आप खेल रहे हो, कि मतलब क्या आप खेल रहे हो, ये नहीं पूछा गया है आप क्या खेल रहे हो, कि मतलब फुटबॉल खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, ये चीज़ नहीं पूछी गई, ये पूछी गई कि क्या आप खेल रहे हो, तो इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, आप क्या खेल रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हो, मतलब आप क्या खेल रहे हो, जैसा बताया कि मैच खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो। तो यहाँ पे समझते हैं, तो वॉट आर यू प्लेइंग। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए दूसरे क्या है, दूसरे जो सेंटेंस, यानी ये जो दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली है। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब वॉट यहाँ पे है, यानी आपका देखिए क्या यहाँ पे आया है और क्या यहाँ पर भी आया है। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, इसको समझ लेते हैं, और इसको बड़ी बारीकी से समझिएगा। अगर एक बार चीज़ समझ में आ गई तो कभी माइंड से निकलेगी नहीं, और जब तक आप लोग समझेंगे नहीं बारीकी से तब तक आप लोगों की समझ में आएगा नहीं। तो आप क्या खेल रहे हैं, तो जो आपका ये सेंटेंस हो जाता है इसमें आपका डब्ल्यू एच यानी वॉट यहाँ पे आ गया, अब वॉट के साथ आर यू प्लेइंग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डब्ल्यू एच फैमिली का यूज हुआ, और डब्ल्यू एच फैमिली क्या क्या यानी, तो वॉट पहले सेंटेंस में क्या का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली का यूज नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे भी क्या यूज हुआ, यहाँ पे भी क्या यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली यूज हुई और यहाँ पे आपकी डब्ल्यू एच फैमिली यूज नहीं हुई, डब्ल्यू एच फैमिली यूज नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई, आखिर ऐसा क्यों क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है आखिर, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब भी क्या का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हो, यानी वाक्य के देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में है, शुरुआत में है, तो क्या का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हो, यानी इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य का आंसर आप हाँ या नहीं में दे सकते हो, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि आप खेल रहे हो, तो आप कह सकते हो नहीं या हाँ या यस या नो, तो उसमें क्या यूज होगा, तो उसमें देखिए डब्ल्यू एच फैमिली यूज नहीं होगी, ये चीज आप लोग समझिएगा। यानी आप देखिए अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया कि अगर आप कोई चीज आप खेल रहे हो और उसका आंसर या कोई वर्क कर रहे हो, अगर उसका आंसर हाँ और नहीं में आप दे सकते हैं तो वहां पर डब्ल्यू एच फैमिली यूज नहीं होगी। तब क्या होगा, देखिए यानी वॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे वॉट का प्रयोग थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन समझिएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब क्या आप खेल रहे हो, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई, क्या आप खेल रहे हो यानी आर यू प्लेइंग, इस तरह का अगर सेंटेंस है तो आप बोल सकते हो हाँ या नहीं, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि क्या आप खेल रहे हो या आप क्या पढ़ रहे हो,
तो हाँ, अगर पढ़ रहे हो तो हाँ, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं, या नॉट या यस, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो, तो इसमें आपका WH फैमिली यूज नहीं होगी। दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखें, आप क्या खेल रहे हो, अब आपसे पूछा गया है कि आप कौन सा मतलब खेल खेल रहे हो, ये चीज यहाँ पे है, तो अब आप ये तो नहीं बता सकते हाँ या नहीं या यस या नो, आप उस खेल का नाम बताएंगे, तो मतलब आप यहाँ पे WH फैमिली यूज करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में आप क्या करेंगे, आप WH फैमिली यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर से देखिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आप क्या खेल रहे हो, तो व्हाट आर यू प्लेइंग, यानी सब्जेक्ट यू ना, तो देखिए यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे यू क्यों आया, तो देखिए यू क्या है, यू ना तो आपका हो जाता है, ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ना ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, बाकी सबके साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट यू यहाँ पर नहीं का तो क्या है, यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो नॉट का यूज नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है कि नॉट या नहीं का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि नॉट का नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको नॉट यहाँ पे नहीं लगाना है। और देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, यानी यूज करते हैं। अब देखिए प्ले है, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके बाद ing फॉर्म हो जाती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। और देखिए दूसरा सेंटेंस, आप क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग, क्या राम घर, अब देखिए और भी समझ लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल, तो क्या राम घर जा रहा है, तो क्या राम घर जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि इज जो है आपका, सबसे पहले देखिए इज आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो इज आ जाएगा, उसके बाद राम आ जाएगा, और उसके बाद गोइंग, और गोइंग के बाद होम। क्यों, आप लोग ये भी समझ लें कि देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है तो वो पहले आया है, और अगर क्या बीच में आता तो आपका जो WH फैमिली है आप उसको यूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या पहले आया है, इसलिए आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ड की जो जगह है उसको चेंज कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे इज एम आर और इज एम आर की जगह पे सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से आपका हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं, क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ, क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ, तो आप समझ लें एम आई नॉट प्लेइंग, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे समझें आप आई के साथ तो एम का यूज करेंगे, अब क्या करेंगे कि एम की जगह पर आई यानी सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ड और हेल्पिंग वर्ड की जगह पे सब्जेक्ट हम रख देंगे, ठीक है ना, उसके बाद उसके तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद आई एन जी फॉर्म लगा देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज कर लेंगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाता है, हम हंस क्यों रहे हैं, अब देखिए क्यों रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपकी WH फैमिली है, क्या है, तो WH फैमिली है, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे ना पहले, सबसे पहले, तो हम देखिए क्योंकि आपकी हो जाती है वाई, उसके बाद वाई के बाद आर हो जाता है, जैसा कि बताया ही शी इट के साथ इज आई के साथ एम और बाकी सबके साथ आर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है वी है, तो इसलिए आर का यानी आर का यूज करेंगे। उसके बाद हंसने की क्या है, तो लाफ एल ए यू जी एच, और देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी का यूज करेंगे, तो उसमें हम आई एन जी का यूज कर लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बना वाई आर
वाई आर वी, देखिए वी लाफिंग यानी हम की देखिए यहाँ पे, और वाई क्योंकि अभी देखिए हम लोगों ने चेंज किया था सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट बनाया था, अब यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एच फैमिली को पहले रखना है, उसके बाद हमारा जो जैसे कि वी शी ही जो भी आता है उसको रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म को रख देंगे। इस तरह से ये आपके सेंटेंस हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए आपके नोट्स में भी कुछ एग्जांपल हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भाई देखिए आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, और लाइक जब आप करते हैं कमेंट करते हैं तो क्या होता है हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या है आप लोगों के जो लाइक हैं वो हो गए, जो कमेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। अब देख लेते हैं कि वह क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच फैमिली है ना आपकी, तो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे पहले आपका क्या आ जाता तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते, यानी डब्ल्यू एच फैमिली नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है तो हम डब्ल्यू एच फैमिली हमने लिख दी यानी व्हाट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हमने, इज एम आर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए वह यानी ही लड़का है, तो आपका क्या हो जाता है रहा है यानी लड़का है, तो हम ही का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद कर रहा है तो डू, डू के साथ आई एन जी फॉर्म, तो डूइंग हो गया, तो व्हाट इज ही डूइंग ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, देखिए सब में रहा हूँ, रहे हैं, रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान हो जाती है, और आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। तो क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या और यहाँ पे क्या, देखिए फिर वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में आ गया। अब इसका आंसर आप हाँ और ना में दे सकते हैं कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो बोल सकते हैं नहीं यहाँ, तो इस तरह यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनकी जगह को चेंज कर देते हैं, एम की जगह पे आई को और आई की जगह पे एम को, तो एम आई और राइट मिस लिखना होता है, और आई एन जी फॉर्म तो राइटिंग, और फिर एक पत्र लिख रहा हूँ तो ए लेटर ये आपका हो जाता है। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, तो जब डब्ल्यू एच फैमिली आ गई तो व्हाट, फिर उसके बाद तुम, तो तुम के साथ तुम की इंग्लिश क्या होती है, तो तुम की इंग्लिश आपकी यू हो जाती है। अब यू की देखिए सहायक क्रिया क्या है, तो आर हो जाती है, तो आर को रखेंगे और यू तो आपका हो गया। उसके बाद कर रहे हो तो करना यानी डू हो जाता है, और आई एन जी फॉर्म यानी आई एन जी फॉर्म तो डूइंग हो जाता है, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आज यहीं तक, थोड़ा सा हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए आप लोग ये ना सोचेगा कि मैम बार बार रिपीट करती हैं, लेकिन मेरा एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और ये नहीं कि मैं पढ़ा दूं और आपको चीज़ें समझ में ना आए तो वो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी ही चाहिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे थे, और इसकी पहचान क्या होती है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका देखिए रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये यूज़ होते हैं, तो आपका और इसमें ये पहचान हो जाती है। आप जैसे ही रहा है, रही है, रहे हैं देखें तो आप समझ जाएं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका हो जाता है। और इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें आपका सब्जेक्ट, उसके साथ इज एम आर यूज़ करते हैं, जैसा भी सब्जेक्ट हो उस अकॉर्डिंग इज एम आर यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद आई एन जी फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। और देखिए नेगेटिव में देखिए नॉट का यूज़ करते हैं, और नॉट का यूज़ कब करते हैं, तो तुरंत हेल्पिंग वर्ड के बाद। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए अगर क्या आपका बीच में आ जाता है तो आप डब्ल्यू एच फैमिली लिखेंगे, और अगर आपका क्या बीच में नहीं स्टार्टिंग में है तो उसको आप यानी सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ड और हेल्पिंग वर्ड को सब्जेक्ट में कर देते हैं, यानी उसके स्थान पे उसको रख देते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक,
आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।